सब्सक्राइब करिए धनु की दुनिया यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। जय श्री गणेशाय नमः। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए कि उनकी शादी नहीं हो रही है, उनके लिए कुछ उपाय बताया जाए। तो जिनकी शादी नहीं हो रही है, इन उपायों को फॉलो करके ज़रूर एक बार फॉलो करके देखिएगा, जरूर शेयर करेगा। इस वीडियो में विवाह नहीं हो रहे हैं उसके उपाय बताए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार जो है बृहस्पतिवार के दिन देवगुरु को मानते हैं। देवगुरु का है बृहस्पतिवार और जो उनका दिन है, उस दिन उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में सब कुछ सफल हो जाता है। ऐसे में देवगुरु की पूजा और उपासना करने से कुंडली में इनकी स्थिति मजबूत होती है, साथ ही जीवन में धन समृद्धि, मान सम्मान, संतान सुख, शिक्षा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कुछ लोगों का कई कोशिशों के बाद भी विवाह नहीं हो पाता। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी के वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है या विवाह संपन्न हो पा रहा है, ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना का इसके विशेष कृपा मानी जाती है। बृहस्पति का पूजन करने और प्रसन्न करने से आपका विवाह अवश्य जल्दी हो जाएगा। ये उपाय जो बताए जा रहे हैं उसको जरूर फॉलो करिए। पहला उपाय, बृहस्पतिवार के दिन देवगुरु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इसके साथ ही पीली वस्तुओं का प्रयोग भी करिए, इससे लाभ होगा। दूसरा, बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करने से इनकी कृपा जीवन पर मिलती है और ज्योतिषाचार्य के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो पीले दाल, पीले रंग, पीले कपड़े आप दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, फलदायी होगा। तीसरा उपाय, इस दिन उपवास करने से अधिक फल मिलेगा। कहा जाता है कि उपवास के दिन भी पीले वस्त्र धारण कर केले के पेड़ की पूजा करिए और गुड़ और चने का भोग लगाइए। इसके बाद बृहस्पति देव की कथा कहिए और आरती करिए। कहते हैं बृहस्पति देव खुश हो जाते हैं और बृहस्पति देव अगर एक बार आप पे खुश हो गए ना, तो आपकी मुरादें अवश्य पूरी होंगी। चौथा उपाय है, अगर आपके विवाह में रुकावट आ रही है तो गुरुवार का व्रत करिए और घी के दीपक जलाइए। इसके साथ ही शुक्ल पक्ष के प्रत्येक 11 गुरुवार के दिन पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह का बाधा जो है वो दूर हो जाता है, निवारण हो जाता है और आपका विवाह जल्द हो जाएगा। तो दोस्तों, ये उपाय जरूर करिए। अगर आपको विवाह में समस्या आ रही है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो इन सब उपायों को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, अवश्य आपका विवाह में चली आ रही समस्या जो है वो दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये था विवाह अगर जिन जातकों का नहीं हो रहा है, ये उपाय करके आप अपने जीवन को, आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया पे। मित्रों, पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। जय श्री गणेश।